हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटा की हाई राइडर और ये उसका जी हाइब्रिड वेरिएंट है जिसकी प्राइस पड़ने वाली है आपको 21.02 लाख ऑन रोड। वेरिएंट्स की बात करी जाए तो आपको टोटल चार वेरिएंट्स में ये कार ऑफर करी जाती है, ई एस जी एंड वी। प्राइस स्टार्ट हो जाती है 12.42 लाख से और जाती है टॉप वेरियंट की 22.74 लाख तक। अब आपको हाई राइडर में सीएनजी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इस जी हाइब्रिड वेरिएंट के बारे में और देखेंगे कि भैया 21 लाख में आपको क्या क्या फीचर्स ये कार ऑफर करती है। ये रही आपकी फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे आपको यूनिक क्रिस्टल एक्रेलिक ग्रिल देखने को मिल जाएगी, साथ में क्रोम का यूज, टोयोटा का लोगो ऑफर किया जाता है। रेडिएटर ग्रिल आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की हनीकॉम मैश पैटर्न में आपको देखने को मिलती है जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। ये रही इसकी अंडरबॉडी, ये कार आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। दोस्तों कार की चौड़ाई है 1795 mm। ट्विन LED DRLs प्लस इंडिकेटर का सेटअप यहाँ आप देख पाएंगे जो कि काफ़ी यूनिक लगता है। नीचे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट बम्पर आप देख लीजिए, आपको ग्रेज कलर में देखने को मिल जाएंगे। और ये रही आपकी कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। वाइपर्स जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, सनरूफ आप देख पाएंगे। साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो 4365 mm की लेंथ है और व्हील बेस 2600 mm का है इस कार का। व्हील आर्चेज आप देख लीजिए, ब्लैक कलर में आपको व्हील आर्चेज देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका फ्रंट टायर्स जो कि अपोलो के हैं और साइज है आपका 215/60 R17। डायमंड कट अलॉय है, फ्रंट में डिस्क है। ये रहा आपका मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन और ये रही आपकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल। क्रोम वगैरह का यूज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं रियर टायर्स की, तो रियर में भी आपको डिस्क देखने को मिलेंगे। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क है, रियर में सॉलिड डिस्क है और ये रहा आपका टॉर्सन बीम सस्पेंशन। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड। हाइब्रिड की बैजिंग आप यहाँ पे देख पाएंगे क्योंकि ये वाला हाइब्रिड वेरियंट है। विंडो लाइन आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की विंडो लाइन आपको ऑफर करी जाती है जहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का यूज़ किया गया है। क्वार्टर पैनल इसमें थोड़ा सा अच्छा दिया है, थोड़ा सा साइज में बड़ा है। ये रही आपकी कंप्लीट रियर प्रोफाइल। पीछे से ये कार कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। कनेक्टिंग टेल लाइट्स तो नहीं है लेकिन वहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और टेल लाइट सेटअप आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का टेल लाइट सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। LED में है, हाई राइडर की बैजिंग। ये रहा आपके पार्किंग लाइट्स और रिफ्लेक्टर का सेटअप। रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें टोटल चार देखने को मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको हिल डिसेंट, TPMS और 360 डिग्री कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर में आप देख पाएंगे। फुल साइज स्पेयर टायर आपको देखने को मिलेगा जो अंडर द बॉडी टांग दिया गया है। आप इधर आएंगे तो आपको ये मिलेगा फ्यूल लिड जहाँ से आप पेट्रोल फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। ये रहे आपके रूफ रेल्स। इधर आप देखेंगे तो को पैसेंजर साइड में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है। और ये रही आपकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल। बूट स्पेस की बात करें तो आपको 373 लीटर का बूट स्पेस इस कार में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें बैटरी पैक लगा हुआ है। ये पटरा लगा रखा है क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, लेवल अप करने के लिए, वरना आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप कुछ हटाएंगे और पीछे देखेंगे तो वहाँ पर बैटरी प्लेस है। 8 साल की वारंटी मिलती है, 1.6 लाख किलोमीटर्स तक की वारंटी है। एक लगेज लैम्प, 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर आपको हुक देखने को मिल जाएगा, पार्सल ट्रे। बैटरी की आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं अप टू 1 लाख किलोमीटर 18,771 की प्रीमियम देके। कैमरे की प्लेसमेंट आप यहां पे देख पाएंगे जो कि रियर कैमरा है। 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाता है। समय अंदर चलने का, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड आपको देखने को मिल जाएंगे। और दरवाज़ा कुछ इस तरह से इतना वाइड ओपन होता है। कीज देख लीजिए, नॉर्मल एकदम मिनिमलिस्टिक की देखने को मिलेंगी जिसमें लॉक और अनलॉक का बटन दिया हुआ है। एकदम सेम आपकी मारुति वाली कीज़ हैं। दरवाज़ा आपका डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे यूज़ किया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, ORVM के कंट्रोल्स, ये आप देख सकते हैं। हैंडल थोड़ा सा सिल्वर सैटिन फिनिश में आपको ये पोर्शन देखने को मिल जाएगा। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, टोटल 6 स्पीकर्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। ड्राइवर सीट आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलेगी। ये रहा आपके पैडल्स और वहीं पर डेड पैडल देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा पतला है, ये देख लीजिए आप। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, इंजन भी ओपन करने के लिए। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं जैसे कि आपके हड के और इंटेंसिटी कंट्रोलर,
और यहीं किनारे आप हेडलाइट लेवलर देख पाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, एसी के वेंट्स। सीट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे फैब्रिक अपोस्ट्री देखने को मिलेगी, डुअल टोन में है लेकिन कंफर्टेबल है, ठीक ठाक आपको कंफर्ट इसमें मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ये कार ऑफर करती है जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है। राउंड बॉटम स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लेदर रैप्ड नहीं है। इधर आप सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह देख पाएंगे और इधर आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किए जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, और यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल ऑफर किए जाते हैं दोस्तों। स्टेयरिंग कॉलम आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक सपोर्ट के साथ आता है, यहाँ से आप फोन रिसीवर कट कर सकते हैं, साथ ही साथ वॉइस कमांड्स के कंट्रोल है, सिल्वर टच आप देख पाएंगे। मल्टीमीडिया स्क्रीन की बात करें तो आपको 9 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन यहाँ देखने को मिल जाएगी जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में उसके आउटर्स देख सकते हैं आप। एसी के वेंट्स, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगा, टॉगल स्विचेस दे रखे हैं आपको स्पीड कम ज्यादा करने के लिए प्लस टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए। वहीं नीचे आप देखेंगे तो ट्रैक्शन ऑफ का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया है, एक यूएसबी पोर्ट दिया है, वायरलेस चार्जिंग आपको ऑफर करी जाती है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ईवी मोड में स्विच करने के लिए, आपके ड्राइव मोड्स हैं, नॉर्मल इको और पावर मोड ऑफर किए जाते हैं, हैंड ब्रेक मैनुअल हैं, कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपका स्लाइडिंग है और सॉफ्ट भी है। स्पेस की बात करें आप देख सकते हैं इतना स्पेस आपको आर्मरेस्ट के नीचे देखने को मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड देख लीजिए, आपको डुअल टोन, एक तरह से तीन टोन में फ्रंट डैशबोर्ड आपको ऑफर किया जाता है। हड व्यू आप यहां से देख पाएंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं हड व्यू। तो ये रहा आपका हड व्यू, यहां पे सारे आपको डायनेमिक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको ड्राइव में हेल्प करेंगे दोस्तों। ग्लव बॉक्स आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, काफ़ी कम स्पेस है यहां पे। ऑटोमेटिक IRVMs, ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट्स भी ऑफर करी जाती है, ये आपके लैम्प्स हैं जो कि हेलोजन में है। सनरूफ आप देख सकते हैं, आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगी, पर ये जो कर्टेन्स है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। अगर टाटा वगैरह से आप कंपेयर करेंगे तो ये कर्टेन काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो ऊपर की आपकी ग्लासेस हैं वो टिंटेड हैं जिसकी वजह से इसका असर कम होता है। वन टच ऑपरेटेड है ये, वन टच में आप ओपन और बंद कर पाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, कर्टेन्स को भी वन टच में आप बंद कर सकते हैं। को पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा विद लैम्प। ये रहा आपका कंप्लीट डैशबोर्ड। चलिए अब चलते हैं सेकेंड रो में और सेकेंड रो की सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। सेकेंड रो में आप देख सकते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स, दरवाजा कुछ इस तरह का है सेम, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बाहर से देखेंगे तो ये रहा आपका इंटीरियर्स। ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से सेट है। जब आप अंदर बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको नी रूम में और लेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट थोड़ा सा और हो सकता था, लेकिन वहीं लेग रूम और नी रूम बिल्कुल सफिशिएंट मिलता है। यहाँ आपके एसी के वेंट्स आप देख सकते हैं, ये एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए एक यूएसबी और एक टाइप सी पोर्ट आपको नीचे ऑफर किया गया है। वहीं पे थोड़ा सा स्पेस, हम्प आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम्प आपको इस कार में देखने को मिलेगा दोस्तों। पीछे से देखेंगे तो ये रहा आपका फ्रंट डैशबोर्ड, काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैनोरामिक सनरूफ आप देख पाएंगे। सीट्स की बात करें तो आपको 60-40 स्प्लिट्स में यहाँ पे सीट्स देखने को मिल जाएंगी, तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट और तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट ऑफर करी जाती है, साथ ही साथ आपको यहाँ कप होल्डर भी ऑफर किया जाता है। ये रही आपकी पार्सल ट्रे। चलिए अब इंजन बे की बात कर लेते हैं। आपको इसमें 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो 91 BHP की पावर देगा और 122 Nm का टॉर्क देगा। माइलेज की बात करी जाए तो माइलेज किंग है ये गाड़ी, चूँकि हाइब्रिड व्हीकल है तो 27.97 KMPL का माइलेज ये कार आपको क्लेम करती है, तो लगभग 25-26 का तो मिल ही जाएगा। ये रहा आपका कंप्लीट लेआउट। इंसुलेशन वगैरह अच्छे से दिया गया है जिससे इंजन नॉइज गाड़ी के अंदर नहीं जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके हाई राइडर के जी हाइब्रिड वेरिएंट का कंप्लीट वॉक अराउंड। कार कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।